ये तो जैसे महिलाओं में जो किडनी होती है उनका भी साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, किडनी वगैरह जो डिपेंडेंट करती है आपके साइज, बॉडी क्या नाम, हाइट, बॉडी वेट, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वो आगे कभी हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो RBC हमने बताया, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तो उसके मैं बता दे रहा हूँ आपका। सबसे पहला जो आता है HCT आता है, जो HCT होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हिमेटोक्रिट होता है। ठीक है, क्या होता है, हिमेटोक्रिट होता है, जिसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 36 से लेकर के 48। ठीक है, 36 से लेकर के कितना होता है, 48 तक के बीच में होता है, इसलिए जो होता है परसेंटेज में दे रखा होता है। फिर इसके बाद वहीं पर देखते हैं MCD होता है, जो MCD का मतलब होता है मेन कॉर्पस। ठीक है, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि एक हमारी जो RBC होती है इसका जो वॉल्यूम कितना होता है, तो वो कितना होता है भैया, 78 से या क्या नाम 80 से लेकर के 100 के बीच में होता है। और ये जो 70 से लेकर 100 के बीच में होता है ये किस में दे रखा होता है, ये फेम्टोलीटर में होता है, जिसको हम FL बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आई बात, FL यानी F ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा। ठीक है, फेम्टोलीटर में आ गई बात समझ में, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे CBC में, जो ऊपर क्या नाम पढ़ाई